देरी से मिला न्याय न्याय नहीं होता, मुकदमों का निपटारा जल्दी होना चाहिए। प्रदेश में लंबित मामलों के जल्दी निपटारे के लिए नियमों में बदलाव जरूरी है। न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। उक्त बातें मुलायम सिंह यादव एडवोकेट अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन कानपुर देहात ने कलेक्ट्रेट परिसर कानपुर देहात में अधिवक्ताओं द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में कही। उन्होंने कहा कि देश के न्यायालयों में जजों की कुल स्वीकृत 284 पदों में से लगभग 19,300 पद ही भरे, शेष पद खाली। जबकि देश में लगभग 20 लाख अधिवक्ता है जिसमें सबसे ज्यादा 4 लाख से भी अधिक उत्तर प्रदेश के हैं। न्यायालय में लंबित मामलों के निपटारे के लिए समय सीमा का निर्धारण नहीं है जिस कारण लगभग 5 करोड़ से भी अधिक मामले देश में लंबित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश के प्रति 10 लाख लोगों पर केवल 10 न्यायाधीश है। यदि समय रहते इस ओर ध्यान न दिया गया तो लोगों का न्याय में भरोसा कम हो गया और न्याय मिल पाना बड़ी मुश्किल होगी। कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद अधिवक्ताओं ने मांग रखी कि लगभग 23 साल कलेक्ट्रेट को संचालित होते बीत गए परंतु आज तक कोई भी चैम्बर नहीं बने। कई बार ज्ञापन भी दिया गया परंतु आज तक जगह चिन्हित नहीं की गई। जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान अध्यक्ष सिविल बार एसोसिएशन कानपुर देहात ने कहा कि कलेक्ट्रेट में पूरे जिले के लोग आते हैं जिसका समाधान अधिवक्ता करते हैं परंतु अधिवक्ताओं के बाद बैठाने व बैठने के लिए जगह नहीं है जिसको शीघ्र बैठने की व्यवस्था की जाए अन्यथा कोई बड़ा आंदोलन किया जाएगा। स्वागत समारोह की अध्यक्षता शीतल प्रसाद संचालन डीके सिंह ने किया। इस मौके पर जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान शिवभजन पाल बलराम सिंह संतोष कुमार यादव सुभाष यादव विश्वनाथ यादव रघुराज सिंह यादव आर के श्रीवास्तव एम सिद्दीकी अनुप यादव जितेंद्र बाबू धर्मेंद्र सिंह यादव संदीप यादव दीपक यादव मनीष श्रीवास्तव आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे। न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल से विजय शंकर कौशल की खास रिपोर्ट। जनपद न्यायालय में यहाँ 4-5 लोग बैठते हैं और ये बड़ा समय हो गया 40 साल। भारत में 747 जिला हैं, ये ऐसा जिला है जहाँ एक भी बस्ता नहीं है। 40 साल बीत गए, इतना बढ़िया भवन बना है, इतने बढ़िया जगह है, हम लोगों ने कई बार